हमने XMR में लगाया फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखा होगा इसका। और टॉपिक रहेगा वो रहेगा करिश्मा XMR पर ऑन करना। ये लो जी, ओए ये देखो यहाँ पर तो सारी बाइक्स ही बाइक्स हैं, तो स्कूटी से लेके सारी बाइक हैं। तो यहाँ पर लगा रखे हमने विंग्स, इसके अलावा गाइस हमने एक विंगलेट रेड कलर के DRL लगाया जो चाबी ऑन पे रहेंगे, बड़े ज़बरदस्त लुक आता है इसका। ये देखो ठीक है, और एक बार दूर से दिखाना, हेड में लगाए हुए एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया फुल, ज़बरदस्त होने वाली है, अब तक की सबसे ज़्यादा मोस्ट लोडेड होगी। इसमें सारी चीज़ें लगी हुई हैं भाई, क्या चीज़ नहीं लगी हुई है। अब नेक्स्ट लगा रहे हैं, जितने भी एग्जॉस्ट इस पर लगाओगे, जो भी एग्जॉस्ट लगाओगे, साउंड ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि बैंड पाइप जो है इसमें लग चुका है। अभी वाला सुनते हैं साउंड का। करिश्मा XMR 210 cc, लेकिन लुक काफी किलिंग। ये 10R वाले मिरर आ गए, ये वो मिरर है जो कंपनी देती है, बट इसमें इंडिकेटर नहीं होते, इसमें आपको इंडिकेटर मिलेंगे। यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह देख रहे हो ना, ये कितनी लगी हुई है, तो ये लगेगा कुछ इस तरीके से। फ्रेम स्लाइडर्स भी लग चुके हैं, बाकी इसमें क्रैश गार्ड लगवाना चाहते हो तो ये विंगलेट आएगी इसकी इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर डीलें, ये लीवर गार्ड आ गए, क्योंकि अभी नई बाइक है, सामान इसका मिलता नहीं है, तो ये लीवर गार्ड लगेंगे इस तरीके से। यहाँ पर एग्जॉस्ट लगेगा इसका पूरा, ये आगे इसकी रेडिएटर ग्रिल, इसकी रेडिएटर ग्रिल गूगल पे भी नहीं मिलेगी आपको, बट हमारे पास मिल जाएगी। देख सकते हो फॉग लैंप्स का यहाँ पर स्विच लग चुका है। XMR पर आप देखोगे तो 10R वाले मिरर लग चुके हैं, और फॉग लैंप्स लगा दी है जस्ट फॉर प्रोटेक्शन के। PPF खराब हो रही थी जब इन्होंने बाहर में लोकल से कराया था, तो वाली सारी हटाकर अब यहाँ पर प्रॉपर वाली करा रहे हैं। डन हुआ है, लीवर गार्ड वगैरह हुए हैं, यहाँ पर बुलेट स्टैंडर्ड है, वहाँ पर R15 है, और यहाँ पर मेटियोर 350 है। हिमालयन 450 की अगर वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना, यहाँ पर KTM 250 आ चुकी है, ड्यूक 390 यहाँ पर, मिटियोर का भी देख सकते हो यहाँ पर आई है, जिसमें यहाँ पर MT15 है, इसमें भी देख सकते हो 3 लेयर की ब्लैक ब्यूटी R15 यहाँ पर है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे आप सब, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SKD बाइक। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी लिया, आज के सिनेरियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा करिश्मा XMR पर। अभी अलग अलग इस बार मोटिवेशन होने वाली, लेकिन अपने पास अभी कौन कौन सी बाइक्स आ रखी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सारी बाइक्स ही बाइक्स हैं। यहाँ पर बुलेट स्टैंडर्ड है, जैसे PPF हो गई, वहाँ पर R15 है, अभी R15 में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हो भाई साहब। और यहाँ पर मेटियोर 350 है, जिसमें अभी इसका सारा सामान लिखा जा रहा है, फिर उसके बाद सामान निकाला जाता है, फिर आपको दिखाया जाता है, बजट बताया जाता है, फिर काम शुरू किया जाता है। इधर आ जाते हैं, चलो और दिखा देते हैं आपको। तो ये हिमालयन 450 आ चुकी है, हिमालयन 450 की अगर वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना। मैं क्या करता हूँ, सारी वीडियो अलग अलग डालूंगा, अभी मैं आपको एक छोटा सा दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। सेम वीडियो आपको हर एक वीडियो सेपरेट अलग मिलेगी हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर KTM 250 आ चुकी है, इसमें भी काम किया जाएगा, हिमालयन आपने देखी ली, एक KTM ड्यूक 390 यहाँ पर है, उसमें टॉप रैक वगैरह लगाया जा रहा है, बाकी अभी फिलहाल मिट्टी और का भी देख सकते हो यहाँ पर है, जिसमें PPF का काम जस्ट हुआ है अभी, ब्लैक ब्यूटी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, आई थिंक काम हो गया भाई का। यहाँ पर MT15 है, इसमें भी देख सकते हो 3 लेयर की लेमिनेशन की गई है, और भी काफ़ी सारे काम है, तो पहले PPF का काम डन किया था, बाकी सारे काम किए जाएंगे। एक ब्लैक ब्यूटी R15 यहाँ पर है, जिसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर, उसमें विंग्स वाले मिरर हो गए, क्रैश गार्ड हो गया, बॉडी इंडिकेटर हो गया, लैमिनेशन हो गई, इसके अलावा एक मिट्टी और यहाँ पर है, एक मिट्टी और यहाँ पर है। तो चलो आते हैं मुद्दे पे। तो ये आ गई करिश्मा XMR 210 cc, लेकिन लुक काफ़ी किलिंग वो तो है ही, लेकिन जब मॉडिफिकेशन कर लेते हो तो इसमें और भी ज़्यादा किलिंग लुक आता है। अब इसको जो है खोलने का रीज़न ये, इसमें काफ़ी अलग अलग मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, 10R वाले मिरर लगाने वाले हैं। ये 10R वाले मिरर आ गए, ये वो मिरर है जो कंपनी देती है, बट इसमें इंडिकेटर नहीं होते, इसमें आपको इंडिकेटर मिलेंगे। और 10R के मिरर से याद आया, आपको 10R भी दिखाऊंगा मैं कि 10R पे जो मिरर होते हैं इसको 10R के मिरर क्यों कहते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा इसमें टायर हैगर लगेगा, ये पीछे लगेगा इस जगह पे, जो मिट्टी वगैरह देख रहे हो ना, ये कितनी लगी हुई है। अब इसको वॉशिंग नहीं कराया मैंने इसीलिए, ताकि आपको आइडिया हो सके। तो ये लगेगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है जी। अब मिट्टी वगैरह अंदर नहीं जाएगी आप। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेम स्लाइडर्स भी लग चुके हैं, बाकी इसमें क्रैश गार्ड लगवाना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, फॉग लैंप्स लग चुकी हैं, फोर्स प्रोटेक्शन लग चुके हैं, इसी तरीके से यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लीवर गार्ड हो गया, विंगलेट हो गई, तो ये विंगलेट आएगी इसकी इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर DRL भी लगाएंगे, काफ़ी अलग काम करने वाले हैं। ये लीवर गार्ड आ गए,
क्योंकि अभी नई बाइक है, सामान इसका मिलता नहीं है, तो ये लीवर गार्ड लगेंगे इस तरीके से। कलर जो मर्जी चाहो ले लो, ये सब चीज़ें हैं। और आपको बताऊँ मेन चीज़, इसमें एग्जॉस्ट भी लगाने वाले हैं। यहाँ पर एग्जॉस्ट लगेगा इसका पूरा। ये आगे इसकी रेडिएटर ग्रिल, इसकी रेडिएटर ग्रिल गूगल पे भी नहीं मिलेगी आपको, बट हमारे पास मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर सिमटेक का मोबाइल होल्डर, और इसमें चार्जिंग विदाउट चार्जिंग आप देख सकते हो। फॉग लैंप्स का यहाँ पर स्विच लग चुका है, काम काफ़ी सारे हैं। तो आप लोग लगा लो हेडफोन, मैं आपको सुना देता हूँ इसका एग्जॉस्ट का साउंड। अगर आप लोगों के पास करिश्मा एग्जाम आ रहा है तो उसमें कैसा साउंड आता है, उसके लिए आप लोग हेडफोन लगा लो, मैं आपको ट्राई कराता हूँ यहाँ पर साउंड कैसा आने वाला है। बाकी फिटिंग के बाद फाइनल वीडियो आपको दिखाई देंगे। तो गाइस यहाँ पर एग्जाम आर पर आप देखोगे तो टेन आर वाले मिरर लग चुके हैं, जिसमें इसके कनेक्शन हो चुके हैं, इसमें इंडिकेटर भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फॉग लैंप्स लगा दी है जस्ट फॉर प्रोटेक्शन के ऊपर। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और थी, इसकी ना पीपीएफ ख़राब हो रही थी जब इन्होंने बाहर में लोकल से कराया था, तो वो वाली सारी हटाकर अब यहाँ पर प्रॉपर वाली करा रहे हैं, जिसमें आपको गारंटी मिल जाती है, जिसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती है। पेंट साथ में नहीं आता है, बबल वगैरह जो होते हैं, जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाती है, पेंट सेफ रहता है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगते, वो चीज़ें भी हैं। और गाइस इसमें अभी पीपीएफ के बाद ही बाकी सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि पीपीएफ होने के बाद सारी गाड़ी पैक हो जाएगी, फिर इसमें एग्जॉस्ट साउंड आपको ट्राई कराता हूँ। हमने एग्जामर में लगाया फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखा होगा इसका। और ये जो है प्रॉपर फिटिंग के साथ हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें एग्जॉस्ट का साउंड मैंने आपको ट्राई कराया था, मेन एग्जॉस्ट स्टार्ट करो। अब नेक्स्ट लगा रहे हैं, जितने भी एग्जॉस्ट इस पर लगाओगे, जो भी एग्जॉस्ट लगाओगे साउंड जबरदस्त आएगा, क्योंकि बैंड पाइप जो है इसमें लग चुका है, इसका कैटलिक कन्वर्टर निकल चुका है। अभी ये डीबी कलर के साथ में लग रहा है, इसमें R1M, अभी डीबी कलर हटा दोगे तो साउंड और जाते जाएगा। फिलहाल डीबी कलर के साथ सुनते हैं, स्टार्ट करो। नेक्स्ट लगा दो। चलो जी, हिमालयन का भी काम ख़त्म। अब ये R1M आ चुका है दूसरा वाला, इसमें भी डीबी कलर लगा हुआ है। तो ये R1M के दोनों डिज़ाइन हो गए, प्लस SC प्रोजेक्ट हो गया है। R1M का जो है हमने डीबी कलर खोल दिया है। R1M आपने डीबी कलर के साथ सुना था, अब डीबी कलर के हटा के भी सुन लिया है। डीबी कलर जो है वो कुछ उठाना, डीबी कलर एक बार, तो ये इस तरीके के डीबी कलर्स होते हैं, मतलब ये आवाज़ को ना बंद कर देते हैं सिंपली, तो इसको लगा भी सकते हो हटा भी सकते हो। ये आ गया R9, अब इसका भी सुनते हैं साउंड कैसा है। इसका भी डीबी कलर निकाल रखा है हमने। करो स्टार्ट करो। एग्जॉस्ट समझ में आया है भैया को, वो आया R1M का, वो लग चुका है, ठीक है। साउंड आपको सुना देंगे इसका फाइनल पे भी। इसमें विंग्स और एड ऑन हो चुके हैं, इसके अलावा इसमें DRL, विंगलेट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी का लुक इसका कुछ यहाँ तक पहुँचा है, अभी फाइनल करके और आपको दिखा देता हूँ मैं फटाफट। और ये कंप्लीट जो होने वाली है काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, अब तक की सबसे ज़्यादा मोस्ट लोडेड होगी, इसमें सारी चीज़ें लगी हुई हैं भाई, क्या चीज़ नहीं लगी हुई है। तो गाइस एग्जाम आर तो हो चुकी है रेडी, और उसको दिखाने से पहले एक बार भाई से मिलवा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया इनको। कहाँ से आए थे भैया? मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से। महेंद्रगढ़ हरियाणा से भैया आए हुए हैं, कितने किलोमीटर पड़ता है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, 10 बज गया भाई। और काम वगैरह कैसा लगा? बढ़िया काम हुआ, अलग बिल्कुल अलग बनवानी थी तुम्हें। मैं सेटिस्फाइड हूँ फिलहाल काम से, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाइक कैसी बनी है, बाकी भैया का जो है ऑल अबाउट रिव्यू तो यही है कि वो खुश हैं। तो दिखा देता हूँ पहले आपको, सबसे पहले चेक करो आप, यहाँ पर विंग्स लगाए हमने, तो ये वाले जो विंग्स हैं आपकी फेयरिंग वाली किसी बाइक में लग जाएंगे, कलर काफ़ी सारे मिल जाते हैं इसमें, तो यहाँ पर लगा रखे हमने विंग्स। इसके अलावा गाइस हमने एक विंगलेट लगाई है यहाँ पर इस जगह पर,
और विंगलेट स्पोर्टी लुक देने के लिए होती है। वहीं यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो फॉग लैंप्स हमने लगाई है इस जगह पर, ये देखो इसका फोकस बहुत अच्छा है। चलो इसको ऑन करके दिखाते हैं, ये देखो गाइस वाइट एंड येलो। और इसके अलावा हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और ऐड की, जैसे कि DRL यहाँ पर लगाए हमने, ये देख सकते हो रेड कलर के। इस साइड से दिखाना एक बार, रेड कलर के DRL आ गया, जो चाबी ऑन पे रहेंगे बड़े ज़बरदस्त लुक आता है इसका, ये देखो। और ये बहुत कम देखने को मिलता है, ये जो DRL है ये किसी भी कलर के लगवा सकते हो, मेरे पास सारे कलर मिल जाएंगे। और एक बार दूर से दिखाना, तो दूर से इसका कुछ ये वाला लुक आ रहा है। और ये फुल्ली वाटरप्रूफ है, विंगलेट की बात कर रहा था कुछ इस तरीके से आ गए। यहाँ पर 4 प्रोटेक्शन लग चुकी है सस्पेंशन की, प्रोटेक्शन के लिए रेड कलर में, वैसे काफ़ी सारे कलर हैं। विंग्स लगने के बाद जो बाइक का लुक है काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका है। यहाँ पर लीवर गार्ड लगा दिया हमने, कभी गलती से भी अगर बाइक गिरता तो आपके क्लच और लीवर डैमेज ना हो, क्योंकि एक बार गिर गई थी बाइक भैया की, यहाँ से देख सकते हो आप। तो सेफ्टी पॉइंट को लेकर सारी चीज़ें कर दी हमने। यहाँ पर फ्रेम स्लाइडर्स लगा दिए ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना आए फेयरिंग में अगर बाइक गिरती भी है। दोनों साइड में लगाए हुए एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया है, फुल R1M का लगाया है। बाकी मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जॉस्ट साउंड ट्राई कराए थे, इसमें DB कलर लगा हुआ है। फिलहाल अभी सुना देता हूँ मैं साउंड आपका DB कलर के साथ कैसा आता है। अब DB कलर का क्या है, जैसे अभी आवाज़ इसकी कमी आएगी या फिर इसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी लाउड रहेगी, बाकी बेस जब आएगा DB कलर निकालोगे, निकल रहा है भाई। अभी देखेंगे इसका। तो इसके अलावा गाइस काफ़ी सारी चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर आप इस साइड से देखोगे तो साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। इस साइड से भी फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह लगे हुए हैं, विंग्स लगे हुए हैं, सीट कवर विद कुशनिंग के साथ में कंफर्टेबल बनाई गई ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना हो राइडर को भी, पिलियन राइडर को भी। तो ये भी ज़रूरी है क्योंकि जब दूर से बाइक आती है तो सीट कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। इसके अलावा टायर हैगर लगाया था हमने, बरसातें चल रही हैं मिट्टी वगैरह अंदर ना जाए इसलिए यहाँ पर टायर हैगर हमने लगाया था, ठीक है जी। और इसके अलावा PPF लेमिनेशन हो चुकी है पूरी बाइक, क्योंकि जो पहले करा रखी थी बड़ी बेकार सी हो रखी थी, तो अब ये पूरी बाइक हो चुकी है PPF लेमिनेशन प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। इसके अलावा ZX10R वाले मिरर लगाए हमने इंडिकेटर के साथ में, जो कंपनी से आते हैं आप लोगों को पता ही है। तो इसका भी लुक देख लो कैसा आ रहा है, ये देखो। तो ये मिरर है, इसमें आपको पूरा व्यू मिलेगा, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये है इसका एक लुक। यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर लगाया, अपना फ़ोन भी लगा सकते हो आप नेविगेशन के लिए, ठीक है जी। तो ये तो गई करिश्मा XM R की मॉडिफिकेशन, ठीक लगा ना काम भाई, बढ़िया। इस प्रॉपर नाइट में इसका इग्निशन ऑन करेंगे, इसके DRL का लुक देखेंगे और इसका फॉग लैंप का फोकस देखेंगे कैसा आता है। करने पर ऑन करना, ये लो जी, ओए होए होए, क्या तो DRL है ज़बरदस्त भाई। देखो ये वाले पार्ट ना DRL है, अभी मैं आप इसका फोकस भी दिखा देता हूँ, एक बार सामने फोकस मारेंगे इसका, है ना, फोकस सेट भी कर देंगे। ये देखो गाइस नाम की मिनी ड्राइव है, ये देखो। अभी इसका जो हाई बीम है वो ऊपर जा रहा है, इसको सेट करना है अभी। इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त लुकिंग आ रही है भाई, ये देखो। इसी तरीके से आप येलो कर सकते हो, और ये है फ्रंट इसका। तो ये आ गया नाइट का व्यू। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। दूसरे कैसे आ गया चला के? मैं एक्चुअली यहाँ पर 2 दिन पहले आया था। अच्छा। तो वो कुछ अलग सा काम था तो उसको निपटा के फिर मैं सोचा अलग सा काम था कुछ। मैं जब आया तो मैं सोचा मॉडिफिकेशन भी करवा के चल जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में एक्चुअली स्टडी कर। चलो गाइस आप लोग भी जब भी आओगे एक बार डुप्लीकेट शॉप देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारी खुली हुई है, आना हमारे पास ही, ठीक है जी। नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, मिलता हूँ अगली वीडियो, तो टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।